हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ पास्ता की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए जल्दी से ये पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पास्ता। अब एक बर्तन में मैंने पानी डालकर उसे अच्छे से उबाल लिया है और उसमें मैंने नमक को ऐड कर लिया और अब इसमें हम पास्ता को डालकर अच्छे से इसे उबाल लेंगे। दोस्तों, पास्ता को मैंने पानी में ऐड कर लिया है। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस, 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से उबाल लिया है और देखिए ये पास्ता जो है कितने अच्छे तरीके से उबल गई है। चलिए पानी को छानकर इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, कितने अच्छे तरीके से पास्ता जो है उबल गई है। आगे मैंने लिया एक कढ़ाही। कढ़ाही में ऐड की हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे दोस्तों। तो गाइस, तेल अच्छे से गर्म हो गई है तो सबसे पहले हम इसमें ऐड किए हैं कद्दूकस किए हुए लहसुन, साथ ही इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किए हुए अदरक। इन दोनों चीजों को डालकर हम लगभग इसे 60 सेकंड्स तक भूनेंगे ताकि दोनों चीजें जो है अच्छे से पक जाए। तो गाइस, इस तरह से चलाते हुए मैंने इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक इसे हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। तो गाइस, प्याज हमारी जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं लाल शिमला मिर्च, ये भी बारीक कटी हुई है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरी शिमला मिर्च। इन दोनों चीजों को डालकर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इन दोनों को भी हम अच्छे से गलने देंगे। लगभग इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च, इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूं गाजर। गाजर को डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इन सभी सब्जियों को हम सॉफ्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं टमाटर। टमाटर को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। गाइस, पास्ता में भी हमने नमक डाला था तो ध्यान से अच्छे से नमक डाल लीजिएगा और नमक को डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। आगे इसमें हम ऐड कर रहे हैं टोमेटो केचप। इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम थोड़ा चीनी डालेंगे जिससे एक हल्का फ्लेवर और कलर आएगा। तो चीनी को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ पास्ता मसाला। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मैगी मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। साथ ही इसमें मिला लेंगे सोया सॉस। सोया सॉस को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा पास्ता जिसपे उबाले थे उसकी पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लिए हैं और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस हमारी सभी सब्जी जो है देखिए कितने अच्छे तरीके से पक गई है। अब इसमें हम पास्ता को डाल देंगे। तो सभी पास्ता को हमने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। चलिए अब इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। दोस्तों अच्छे से मिलाते हुए हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों मैंने इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लिया है। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों तैयार है ये डिलीशियस पास्ता। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसे बनना कितना आसान है, तो आप इस आसान रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।